समाजवादी कुनबे में एक बार फिर से सुलह की कवायद शुरू हो चुकी है। अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच समझौते की कमान मुलायम सिंह यादव ने खुद अपने हाथों में ले ली है। पिछले कुछ महीनों में नेताजी कभी अखिलेश के साथ तो कभी शिवपाल के साथ दिखाई देते हैं। इतना ही नहीं, इन दिनों मुलायम सिंह यादव ने अखिलेश और शिवपाल को लेकर कोई भी बयान नहीं दिया है। मुलायम सिंह यादव के बेहद करीबी ये भी मानते हैं कि नेताजी भाई और बेटे के बीच सुलह चाहते हैं। भले ही नेताजी ने अनौपचारिक तरीके से समाजवादी पार्टी की सत्ता बेटे को सौंप दी हो, लेकिन दिल में चाहत है कि शिवपाल अखिलेश के साथ रहें। दरअसल यूपी में एसपी बीएसपी के बीच गठबंधन की जो धुंधली सी तस्वीर सामने आई है, जिसने मुलायम की परेशानी और बढ़ा दी है। मुलायम सिंह को लगता है कि एसपी बीएसपी के गठबंधन के बाद समाजवादी पार्टी के जिन बड़े नेताओं को टिकट कटेगा, वो विकल्प के तौर पर सीधे शिवपाल के साथ जुड़ेंगे। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 26 के दौलतपुर गांव में करीब 150 झुग्गियों में आग लग गई। आग लगने की खबर के बाद घटना स्थल पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 10 से ज्यादा गाड़ियों ने करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत ये रही कि आग में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पीड़ितों ने आपसी रंजिश में कुछ लोगों पर उनकी झुग्गियों में आग लगाने का आरोप लगाया। गलती एक बंगाली ने किया, 500 परिवार भुगता। हमने बोला हम लोगों ने कुछ नहीं किया, हम लोग कुछ नहीं जानता हूँ। वो लोग नहीं माना, ये झुग्गी में आग लगा दिया। ये खान और ये नेता पिस्तौल, भाला, चाकू, टूटी बोतल, कहाँ कहाँ से आदमी लोगों को बुला रहा। हम लोग जिंदगी में सब देखा नहीं। हम लोगों को पिस्तौल उस्तौल लगाया, हमने हाथ पैर जोड़ा, क्या करूँ, मजबूर हुए। ये आग 12:30 बजे लगी साहब, रात को। तो 26 का बंदा था, ऐसे वो कोने से आग मार रहा था, उस कोने से ऐसे बोतल लेके ऐसे पाक मार दिया, कोने में पाक मारा। आज जैसे ही पाक मारा ऐसे ही चिटक पूरा मेट्रो। तो हमारे पास कॉल आई थी कि झुग्गियों में आ गए। कितने बजे? 00:18:20 का टाइम है। और जैसे भी यह कंसर्न जो स्टेशन है उससे गाड़ी आ गई थी और अब भी आपके सामने ही है। लगभग 100-150 के करीब झुग्गियाँ बताई जा रही हैं कि लगभग 100-150 हैं। काउंटिंग अभी कुछ एग्जैक्टली आप बता सकते, फिजिकली होना भी मुश्किल है, लेकिन आईडिया से ऐसा है कि 100-150 झुग्गियाँ हैं। दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 26 के दौलतपुर गांव का ये मामला है, जहां पर करीब 150 झुग्गियों में आग लगा दी गई। हालांकि अभी तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान इन झुग्गियों में रहने वाले लोगों को हुआ, जो रातों रात सड़क पर आ गए। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान उन लोगों का हुआ जिनकी झुग्गियां जल गई। हालांकि जो लोग हैं उनका ये कहना है कि पुलिस इस पूरे मामले में लापरवाही बरत रही है। दिल्ली में उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए खोले गए सिग्नेचर ब्रिज पर खतरनाक तरीके से सेल्फी खींच रहे लोग हादसों को दावत दे रहे हैं। दिल्ली पुलिस का कोई कर्मचारी ब्रिज या उसके आसपास मौजूद नहीं है, जिस वजह से यहां रोज लोग जमकर हुड़दंग करते हैं। यहां आने वाले कुछ लोग स्टंट करते ब्रिज पर चढ़कर सेल्फी लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। इस तरह की दिक्कतों की वजह से ब्रिज से गुजरने वाले लोगों को भारी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। अभी कुछ दिन पहले इस ब्रिज का उद्घाटन हुआ है, दिल्ली का सिग्नेचर ब्रिज, लेकिन तस्वीर देखिए, यहां पर कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं है, जिसका फायदा उठाकर यहां पर हुड़दंग मचाया जा रहा है। बीच सड़क पर लोग बैठकर तस्वीर ले रहे हैं, जो किसी बड़ी घटना को दावत दे सकता है। यूपी के आगरा में दुकानदार और ऑटो ड्राइवर के बीच जमकर मारपीट हुई। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो चुका है। मामला थाना एतमाउद्दौला इलाके के रामबाग चौराहे का है, जहां पर जाम लगने पर एक दुकानदार ने ऑटो ड्राइवर से ऑटो हटाने के लिए कह दिया। इसी बात को लेकर दोनों के बीच सड़क पर जमकर मारपीट और गाली गलौज हुई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में मौजूद जयपुर गोल्डन अस्पताल में मरीज के परिजनों और डॉक्टरों में जमकर मारपीट हुई। अस्पताल में हुई ये मारपीट वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। बताया गया कि बीते मंगलवार को अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद
सुखबीर सिंह और उनके साथी अस्पताल में वो दवा लेने गए थे जो वो अस्पताल से छुट्टी मिलने वाले दिन वहां भूल गए थे। लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद सीनियर डॉक्टर ने जैसे ही दवा ना मिलने की बात कही वैसे ही नाराज होकर मरीज और उसके परिजनों ने गाली गलौज शुरू कर दी। इस दौरान वहां मौजूद सीनियर मेडिकल ऑफिसर ने उन्हें रोका तो वो हाथापाई पर उतर आए और डॉक्टर को लात घूंसों से पीटने लगे। इस बीच डॉक्टर ने भी मरीज के परिजनों पर हमला बोल दिया और एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे। जो जो अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा जहां पे सही नहीं है, क्यों ना उन अस्पतालों के प्राइवेट अस्पतालों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाए, क्यों ना एडमिनिस्ट्रेशन नेगलिजेंस के केसेस को आगे बढ़ाया जाए और डॉक्टरों की सुरक्षा प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेहतर बनाई जाए। यूपी के प्रयागराज में एक आदमी ने सरेआम हवाई फायरिंग शुरू कर दी। दहशत फैलाने के लिए सड़क पर सरेआम की गई फायरिंग पड़ोस की एक दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बताया जा रहा है कि फायरिंग के दौरान छत पर खड़ा एक बुजुर्ग घायल हो गया। घायल बुजुर्ग की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है और ये भी बताया जा रहा है कि सड़क पर खुलेआम फायरिंग करने वाला पार्षद का करीबी है। फिलहाल पुलिस ने सीसीटीवी तस्वीरों के आधार पर केस दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। देर रात दिल्ली के पंजाबी बाग फ्लाईओवर पर तीन गाड़ियों की जबरदस्त टक्कर हो गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई जबकि एक बच्ची समेत दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए। दोनों घायलों को शालीमार बाग के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की वजह जानने की कोशिश कर रही है। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण 14 और 15 नवंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। बीती रात रणवीर और दीपिका इटली के लिए मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुए। इन दोनों के साथ रणवीर का परिवार भी मौजूद था। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की शादी इटली के लेक कोमो में होगी। रणवीर सिंह सिंधी समाज से ताल्लुक रखते हैं और दीपिका दक्षिण भारतीय। इसी को ध्यान में रखते हुए दोनों ने दो अलग रस्मों से शादी करने का फैसला किया है। इटली में 14 नवंबर को शादी दक्षिण भारतीय रीति रिवाजों से होगी और 15 नवंबर को शादी सिंधी समाज के रीति रिवाजों से। खबर है कि शादी के बाद रणवीर और दीपिका ने 23 नवंबर को बेंगलुरु में रिसेप्शन पार्टी रखी है जिसमें फिल्मी जगत के कई लोग शिरकत करेंगे। हरियाणा के फरीदाबाद में मौजूदा टाटा स्टील के एक ऑफिस में एक पूर्व कर्मचारी ने सीनियर मैनेजर की 5 गोलियां मारकर हत्या कर दी। बताया गया कि टाटा स्टील के ऑफिस में एक पूर्व कर्मचारी दाखिल हुआ और सीधा सीनियर मैनेजर के केबिन में गया और एक के बाद एक 5 गोलियां उन पर दाग दी जिससे सीनियर मैनेजर अरिंदम पाल के केबिन और उसके बाहर खून फैल गया। बताया गया कि पूर्व कर्मचारी अपना बकाया हिसाब करने के बहाने कंपनी में आया था। डॉक्टर ने इनिशियल उनको चेक किया, जो ऊपर से चेक करके पता लगा तो अभी इनिशियल स्टेज पे उन्होंने 5 गोलियां बताई हैं, लेकिन बाकी सारी डिटेल तो पोस्टमार्टम होने का पता लगा। मारने वाले का पता अभी कंपनी के जो यहाँ पे आई विटनेस है, जो मैनेजर है, वो कंप्लेंट दे रहे हैं। यही का एक्स एम्प्लॉय बताया गया है। जैसे ही हमें कंप्लेंट मिलेगी उसमें जो डिटेल होगी उसके बाद हम आप क्या हुआ था आपने जब वहाँ निकल गए जब। यूपी के अलीगढ़ में एक पेट्रोल पंप पर एक कार सवार ने पहले पेट्रोल भरवाने के लिए एक बाइक सवार पर राइफल तान दी। बताया गया कि बाइक सवार को बंदूक दिखाने वाला समाजवादी पार्टी के कोडियागंज इलाके के चेयरमैन का बेटा है जिसने मामूली बात पर पेट्रोल भरवा रहे एक आदमी पर राइफल तान दी जिसकी तस्वीरें वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें देखा गया कि आदमी अपनी बेटी के साथ बाइक में पेट्रोल भरवा रहा था। इसी दौरान समाजवादी पार्टी के कोडियागंज चेयरमैन इरफान खान पहलवान के बेटे जिशान ने पेट्रोल पंप कर्मचारी से उसकी स्कॉर्पियो कार में पहले पेट्रोल भरने को कहा, जिसके बाद बाइक सवार ने इसका विरोध किया तो जिशान ने पहले पास रखे कोन से बाइक सवार पर हमला किया और लेकिन जब बाइक सवार ने अपनी बाइक नहीं हटाई तो गुस्से में जिशान ने कार में रखी राइफल निकाली और बाइक सवार पर तान दी। और ये वो सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें एसपी नेता के बेटे ने बाइक पर सवार जो शख्स है उसके ऊपर पिस्तौल तान दी। पूरा मामला ये था कि जो लड़का है उसका ये कहना था कि पहले पेट्रोल उसकी स्कॉर्पियो गाड़ी में भरा जाए, लेकिन जब ये बाइक सवार वहां से नहीं हटा तो जिशान ने पिस्तौल निकाली और उसके ऊपर तान दी। था
थाना हैदराबाद क्षेत्र में रिलायंस का एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पर एक कोड़ियागंज के प्रधान के पुत्र द्वारा किसी दूसरे व्यक्ति पर राइफल तानने का मामला सामने आया था, जिसका संज्ञान लेते हुए वादी की तहरीर पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली थी और उसमें जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। मुंबई से पुणे के बीच चलने वाली ट्रेन में सामानों की चोरी का मामला सामने आया है। प्रगति एक्सप्रेस ट्रेन में बाथरूम का नल, मग सहित कई जरूरी चीजें गायब हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि महज 3 दिन पहले ही प्रगति एक्सप्रेस का मेकओवर करते हुए कई जरूरी सुविधाएं जोड़ी गई थी, लेकिन महज 3 फेरों के बाद ट्रेन की स्थिति वापस पहले जैसी हो गई। गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी को देखने के लिए टिकट लेने वाले लोगों की लाइन करीब 3 किलोमीटर लंबी हो गई है। हर दिन बढ़ रही सैलानियों की भीड़ से प्रशासन के बड़े अधिकारी भी परेशान हैं, क्योंकि दावा है कि दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखने के लिए उम्मीद से ज्यादा लोग पहुंच रहे हैं, इसलिए टिकट के लिए करीब 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई है। लोग टिकट लेने के लिए घंटों तक लाइन में खड़े रहकर अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। जानकारी दी गई कि प्रशासन के बड़े अधिकारियों ने कई लोगों को वापस लौटा दिया। मूर्ति को देखने के लिए प्रशासन को औसतन 15,000 लोगों के रोज आने की उम्मीद थी, लेकिन अभी से औसतन 25,000 लोग स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए पहुंच रहे हैं।